स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश टू। यूनिट नंबर है 19, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो लास्ट में हमने एक्सरसाइज 2 है वो इनकम्प्लीट रखी थी। हमने सेंटेंस 1, 2 एंड 3 तब किया था। अब हम एक्सरसाइज नंबर जो 2 है, टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चन, यानी कि स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको आपको क्वेश्चन में टर्न करना है। तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, लेट्स कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम नंबर 4। ओके, सेंटेंस नंबर 4 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो टेक आउट योर बुक एंड राइट। 4 नंबर पे है, दे वर सिंगिंग एंड डांसिंग इन द पार्क। तो ये जो सेंटेंस है इसको क्वेश्चन बनाना है, तो जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट के प्लेस में, सब्जेक्ट को वर्ब के प्लेस में ले जाएंगे। तो वर्ब क्या है, वेयर सिंगिंग। तो सब्जेक्ट के बाद जो पहला वर्ब आए उसको ही हमें आगे लाना है। तो सिर्फ हम वेयर को ही आगे लाएंगे, W कैपिटल हो जाएगा। वेयर दे सिंगिंग इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके, नंबर 5 पे ही वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। इसका हमें क्वेश्चन बनाना है, तो जो वोज है इसको ही आगे ले जाएंगे। वोज ही राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। Aeroplanes were flying high in the sky. तो इसमें जो where है वो आगे लाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। Where aeroplanes flying high in the sky? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो write this sentences in your book.
coming to the party. बाकी सब कुछ आपको कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। तो इज है वो हम आगे लिख देंगे तो क्या होगा, इज है वो यहाँ से निकल गया। अब क्या बचा, जो बच गया है सेंटेंस में वो पीछे हम लिख देंगे। इज के बाद यहाँ से लिखेंगे रमन्स सिस्टर कमिंग टू द पार्टी क्वेश्चन मार्क। ओके, कोई भी सेंटेंस हो आपको सिर्फ क्या देखना है, वर्ब देखना है, वर्ब को उठा के आगे रख देना है। ओके, नंबर 8 में है डिफरेंट टाइप के सेंटेंस है, इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
सबसे पहले हमें वर्ब देखना है, वर्ब कौन सा है, तो सीता है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है सिंग्स, ओके, सिंग्स है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो इसे हमें क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करें? तो इसके लिए हमें ऐसे नहीं करना है, सिंग्स को आगे ले आए और ऐसे ही लिख दिया, तो वो क्या होगा? बिल्कुल ही गलत होगा, wrong होगा, सिंग्स सीता अ सॉन्ग ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए हमें अगर इस ऐसे जो वर्ब हो जिसमें सिर्फ आपको एक्शन वर्ब भी दिए गए हो, उसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिए गए हो, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब है कौन सा यूज करना है? अगर वर्ब में एस या ईएस वाला वर्ब है, इसमें क्या है? सिंग है, वर्ब सिंग है, सिंग यानी गाना, ओके, सिंग में एस लगा हुआ है, तो एस या ईएस वाला वर्ब हो तो हम डज से क्वेश्चन बनाएंगे, इससे क्वेश्चन बनाएंगे डज से, ओके, फिर एस ईएस वाला ना हो और सिर्फ आपको सिंग हो, ओके, सिंग है वो बेस वर्ब है, इसमें एस ईएस एड नहीं किया हुआ, ओके, ऐसा कोई भी वर्ब हो और जो अकेला बेस वर्ब भी हो तो उसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे डू से, ओके, और अगर पास्ट फॉर्म में है कोई भी वर्ब का, यहाँ पे आपको पास्ट टेंस का वर्ब दिया है, पास्ट फॉर्म का दिया है, जैसे कि सिंग की जगह पे यहाँ पे सेंग होता, तो हम कौन सा यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए डीड यूज करना है, कैसे यूज करना है? तो अभी हमारा वर्ब कौन सा है? सिंग्स, सिंग्स है तो हम डज यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अगर यहाँ पे एस एस वाला वर्ब है तो आगे हम क्या लिखेंगे? डज, डज, फिर सीता, फिर सिंग, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या करना है, यहाँ पे सिंग्स था और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आगे क्या लिखा हमने? डज से क्वेश्चन बनाया, आगे डज आ गया है, इसीलिए जो वर्ब के पीछे एस या ईएस लगा हुआ था उसको हम निकाल देंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आगे डज, आप आगे आप डज लिख रहे हो तो यहाँ पे बेस वर्ब भी आएगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, डज सीता सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, जितने भी एस ईएस वाले वर्ब हो तो उससे हमें डज आगे ऐड कर देना है और पीछे से एस ईएस निकाल देना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, ओके, ही है वो सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है? स्पीक्स, स्पीक का एस लगा के स्पीक्स है, तो एस या एस वाला वर्ब हो तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए आगे क्या यूज करना है? डज यूज करना है, डज है वो हेल्पिंग वर्ब ही है, ओके, डज, फिर ही, स्पीक्स है तो स्पीक का क्या कर देना है हमें? स्पीक्स का स्पीक कर देना है, जो एस है वो निकल जाएगा क्योंकि आगे डज ऑलरेडी आ गया है, इसीलिए फिर सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, एस एस वाला वर्ब हो तो हमें डज से क्वेश्चन बनाना है और वर्ब में से एस या ईएस को निकाल देना है, जैसे हमने ये दो सेंटेंस में किया वैसे। फिर है टीना गोज टू मार्केट, यहाँ पे वर्ब है गोज, ओके, तो एस सी एस वाला है, ये वाला
लगा हुआ है, ये सवाल हो तो क्वेश्चन बनाने के टाइम कौन सा वर्ब यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब डस को यूज करना है, डस टीना। अब यहाँ पे गोस का गोस लिखोगे तो रॉन्ग है ना, गोस नहीं आएगा क्योंकि आगे डस आ गया, इसलिए यहाँ पे मेन जो वर्ब है वही आएगा। एस एस लगा हो, जो भी लगा हो उसको हटा देना है। तो डस टीना गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके अंडरस्टूड। पहले ये डस वाले एग्जांपल लिख लो। only and only do to make
ओके तो हमने डज वाले देखे, डू वाले देखे। अब अगर वर्ब में पास्ट फॉर्म दिया गया है, पास्ट टेंस का वर्ब दिया है, तो हमें कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, क्या ऐड करना है देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं वो
लिख लो अपनी बुक में। So, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जो सीखा है उसको फिर से रीड करो, फिर से प्रैक्टिस करो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर मेन वर्ब हो, एससीएस वाला वर्ब हो या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सेंटेंस में, तो उसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तो एम इज आर वाज वेयर ऐसा कुछ भी ना हो, है ना। अगर एम इज आर है तो उसको हम आगे लेके आते थे, आगे हमने जो पढ़े उसमें, लेकिन इसमें तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसमें अगर बेस वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगा, एस सी एस वाला है तो डस से क्वेश्चन बनाना है, और पास्ट फॉर्म है तो डी से क्वेश्चन बनाना है। वो आपको अच्छे से घर पे लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।